अस्सलाम वालेकुम दी एजुकेटर्स, बारादरी कैंपस, गुजरात, क्लास 5, यूनिट 14, द विलेज ब्लैकस्मिथ। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, कि चेस्टनट ट्री के नीचे जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, द विलेज स्मिथी स्टैंड्स। स्मिथी कहते हैं कि ब्लैकस्मिथ होता है कि लोहार को, गांव का जो लोहार है वो खड़ा है। वैसे स्मिथी जो है उसकी वर्कशॉप को भी यानी उसकी दुकान को कहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने लिया हुआ है उसको ब्लैक स्मिथ को यानी कि लोहार को। द स्मिथ अ माइट मैन ही, जो स्मिथ है वो बहुत ही ताकतवर आदमी है, विद लार्ज एंड सिनवे हैंड्स, जिसके हाथ बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सिनवे कहते हैं कि वैसे हाथ जिनके वो वाले हैंड्स होते हैं, ये सिनवे हैंड्स के जिनके जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मसल्स होते हैं। एंड मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स, ब्राउनी कहते हैं स्ट्रांग पावरफुल, जो उसकी ताकतवर आर्म्स हैं उसके जो मसल्स आर स्ट्रांग एज आयरन बैंड्स, वो ऐसे स्ट्रांग हैं जैसे कि लोहे की सलाहें। हिज हेयर इज़ क्रिस्प, उसके बाल जो हैं ऐसे अकड़े हुए हैं, यानी कि जो रफ़ रफ़ बाल होते हैं ना, स्मूथ सिल्की नहीं होते और बहुत खड़े खड़े होते हैं, वो क्रिस्प एंड ब्लैक और ब्लैक हैं, एंड लॉन्ग और बड़े हैं। हिज फेस इज़ लाइक दी टैन, अब टैन क्या होता है कि टैन चमड़ा, चमड़े को पका पका के ना, वो जो पका हुआ चमड़ा होता है ना, सूखा हुआ चमड़ा, उसको हम टैन बोलते हैं। लेकिन उसका चेहरा यानी कि इससे ये मुराद है कि उसके चेहरा जो है वो डार्क रंग का है, यानी कि उसका कलर बहुत डार्क है और वो उसका चेहरा ऐसे ऐसे सख्त है जैसे चमड़े की मानद। His brow is wet with honest sweat. अब एक और, जब कोई उसके जो आईब्रोज हैं वो क्या हैं कि पसीने से भरे हुए हैं, और वो पसीना क्या है, honest sweat यानी कि ईमानदारी के पसीने से, वो ईमानदारी से काम करता है और वहाँ वो उसका पसीना जो आता है ईमानदारी के काम करने से, उससे क्या होता है कि उसके आईब्रोज जो हैं वो गीले हुए हुए हैं। He earns whatever he can. वो जहाँ तक हो सकता है यानी कि जितना वो कमा सकता है उतना वो कमाता है। And looks the whole world in the face. और पूरी दुनिया का वो सामना करता है। For he owes not any man. क्योंकि वो और ना ऐसे वो पूरी दुनिया का ऐसे देख